किश्तवाड़ के कुलीगढ़ में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 6 लोगों के मरने की पुष्टि, 8 लोग घायल। सिद्धू विवाद में प्रदेश बीजेपी चीफ रविंदर रैना ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, सिद्धू राहुल के इशारे पर गए थे पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी के साथ गले मिलना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान की आर्मी और उसके जनरल हो, आईएसआई हो, कट्टरपंथी धड़े के लोग हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा खूनी खेल खेला है। नवजोत सिद्धू ने भारत माता की पीठ पर छुरा घोपा है। इन कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है और कांग्रेसियों के खून में गद्दारी है देश के। श्रीनगर के सपोर में आज पुलिस ने 3 ड्रग पेडलर्स को प्रतिबंधित वनरेक्स की 93 बोतलों के साथ हिरासत में लिया। हम यहाँ ड्रग्स के रिलेटेड यहाँ पे बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है। कल रात को एक खबर आई थी पुलिस स्टेशन सोपोर को 2 ड्रग पेडलर्स के बारे में, तो ये ऑन स्पॉट पे गए तो इन्होंने 2 बंदों को वहाँ से अरेस्ट करके लाया। उसमें एक का नाम है ताहिर अहमद मलिक और आसिफ मजीद शेख। जो ताहिर अहमद मलिक है ये शेख साहब सोपुर का रहने वाला है और आसिफ मजीद शेख ये चिंकीपुरा सोपुर का रहने वाला है। इनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुआ। कुछ कोडीन की बोतलें हैं, 750 कैप्सूल स्पॉस्पोप्रोक्सीमान के रिकवर किए। नेशनल पैंथर पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करते हुए असेंबली डिसॉल्व करने की रखी मांग। देखिए, रियासत के अंदर असेंबली को सस्पेंड हुए 61 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आज की तारीख में भी कोई भी फैसला इसको भंग करने के लिए नहीं किया जा रहा है, जो कि गैर आइनी है, गैर संवैधानिक है और इतने लंबे अंतराल के लिए सस्पेंड असेंबली को नहीं रखा जा सकता है। कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, प्रेसिडेंट्स ये कहते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इस स्थिति में ना हो कि सरकार बना सके, एकमात्र विकल्प यही होता है कि उस असेंबली को भंग किया जाए, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना अनएथिकल मींस को बढ़ावा देना है। आज जम्मू में लोगों की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में रक्षाबंधन पर पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित, गटू डोर इस्तेमाल ना करने के लिए या लोगों को जागरूक। आज की रैली का मकसद क्या था? लोगों को सेंसिटाइज करें। इसे चाइनीज मांझा है जो मार्केट में इस्तेमाल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे बैन लगाया है, इस हिसाब ने बैन लगाया हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी नेशनल वाइड बैन लगाया हुआ है, उसके बावजूद ये मार्केट में इनलीगल तरीके से बिक रही है। मैं शहरवासियों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को इस दौर से दूर रखें, क्योंकि इस दौर के इस्तेमाल से लोगों की जान जा सकती है। कई लोगों के जो बाइक पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे। जम्मू कश्मीर राज्य से रहबरे तलीम टीचर्स फोरम ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिन स्कूल बंद रखने का किया फैसला। जिला रामबन में भी ज्यादातर प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल रखे गए बंद। स्टेट में हमारी स्टेट बॉडी की तरफ से कॉल जो थी, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है बंद रहेंगे। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर भी आज यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 600 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं वो भी क्लोज हैं और 300 से ज़्यादा जो मिडिल स्कूल्स हैं वो भी बंद है। हमारा स्टाफ जो भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में है आज उन्हें स्कूल अपने बंद कर दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी यहाँ एहतियात चल रहा है और कश्मीर में भी। और हमारे स्कूल जो है कल भी 21 तारीख को भी क्लोज रहेंगे, 22 को भी हमारा धरना प्रदर्शन श्रीनगर में होगा। पाकिस्तान भारत के साथ कंटिन्यूस डायलॉग चाहता है, नए चुने गए पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा। मेरा दूसरा पैगाम हिंदुस्तान की वजीर खारजा से, एक मेरा मगरिब का पड़ोसी है और दूसरा मेरा मशरकी पड़ोसी है, और हिंदुस्तान की वजीर खारजा से मैं ये कह कि हम दो न सिर्फ हमसाए हैं, हम दो एटमी कुवते हैं। हमारे दरीना मसाइल हैं, उन वसाइल से आप भी वाकिफ हैं और मैं भी वाकफियत रखता हूं। हमारे पास मेरी राय में गुफ्त शुनीद के अलावा कोई और हल नहीं है। हम कोई एडवेंचरिज्म, हम कोई एक्सीडेंटल
एडवेंचरिज्म, जहां रिएक्शन टाइम इतना मुख्तसर हो, मेरी नजर में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सबसे मुनासिब रास्ता है मुश्किलात को जानते हुए कि मसले पेचीदा हैं, जानते हुए कि हो सकता है कि इनका कोई फौरी और आसान हल ना हो, बट वी हैव टू एंगेज। हम रूठ के एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ सकते, हमें हकायक तस्लीम करने होंगे। हमें तस्लीम करना होगा कि हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, हम ना चाहें या ना चाहें, कश्मीर एक हकीकत है, एक मसला है जिसको दोनों मुल्कों ने एक्नॉलेज किया हुआ है, उसका एतराफ करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो आज इस दुनिया में नहीं है, और पाकिस्तान ने अपने लॉ मिनिस्टर को उनकी आखिरी रसूमात में भेजा, वो यहां तशरीफ लाए, वो लाहौर आए, वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए, और उन्होंने पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं और कश्मीर उसका एक हिस्सा है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हमारी तारीख का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि हमें एक कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड डायलॉग की जरूरत है, यही दानिशमंदाना रास्ता है मेरी राय में।